Hello students, in today's lecture of Accountancy 2, we are going to start our next chapter, that is chapter number 4, Hire Purchase System. Let's understand what you mean by the Hire Purchase System. हायर परचेज एक ऐसा सिस्टम है जिस तरह से बायर को बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं जब भी उसके पास इनफ अमाउंट नहीं होती है कुछ यूज इंस्टॉलमेंट्स करने के लिए, यानी कि कोई बड़ी सी मशीनरी, कोई बड़ा सा इंस्टॉलमेंट करना होता है उसको अपनी फैक्ट्री में और उतनी अमाउंट उसके पास नहीं है, राइट? सो वो अमाउंट को वो परचेज कर सके, इसलिए एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, दैट इज़ हायर परचेज सिस्टम. इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, एक होती है हायरर एंड सेकंड वेंडर. वेंडर जो कंपनी बेचती है वो मशीनरी और वट एवर थिंग्स, और हायरर जो परचेज करना चाहता है. अब क्या होगा, अब हायरर होगा वो कोई भी मटीरियल परचेज करेगा, कोई भी मशीनरी परचेज करेगा, बट पेमेंट उसको इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, देनी होगी. एक साथ बड़ी अमाउंट वो नहीं पे करेगा, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे करेगा. अगर वो इंस्टॉलमेंट के फैसिलिटीज़ दी जाती है, इसलिए उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना होता है. सो एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी चार्ज, दैट इज़ कॉस्ट, दैट इज़ नोन एज अ हायर चार्जेस, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? सो ऐसे ही वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा और उसके साथ इंटरेस्ट भी होगा, वो भी पे करना पड़ेगा. तो एक पॉइंट पे बेनिफिट है कि उसको एक साथ इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरा पॉइंट ये है कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा, तब उसको उस चीज़ की ओनरशिप मिल जाएगी. तब तक ओनरशिप किसके पास रहेगी, वेंडर के पास रहेगी, बट पोजीशन जो भी गुड्स का होगा वो हायरर के पास आ जाएगा. बट ओनरशिप कब मिलेगी, एट द टाइम ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट. अगर उसने सारे के सारे इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम पे किए हैं, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे करेगा तब उसको ओनरशिप मिल जाएगी. हायर परचेज सिस्टम एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अग्रीमेंट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. एट द टाइम ऑफ द साइनिंग ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, द हायरर शुड पे द डाउन पेमेंट टूवर्ड्स द एक्चुअल कैश प्राइस. यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आपको यूज होने हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द हायर परचेज सिस्टम, दैट इज कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? सो वी विल एक्सप्लेन दिस टर्म वन बाय वन. पहले बेसिक चीज समझ लो कि ये दो कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें परचेजर यानी कि हायरर को एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट पे करना है, विच इंक्लूड्स द कैपिटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, और जो भी जिसकी प्राइस है उतनी भी अमाउंट पे करनी है और साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है. सो इंस्टॉलमेंट में दोनों अमाउंट, कैपिटल वैल्यू और इंटरेस्ट दोनों को साथ में मिला के एवरी ईयर पे करेगा. एट द एंड ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट ही विल ओन दैट गुड्स, और उसको वो ओनरशिप मिल जाएगी. पोजीशन उसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और साइनिंग अमाउंट डाउन पेमेंट पे करके ही पोजीशन तो मिल जाएगा, बट ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम पे करेगा, राइट? सो पहले तो देख लेते हैं बहुत सारे टर्म्स. पहली है कैश प्राइस. कैश प्राइस का मतलब क्या है, अगर ये अभी के अभी सोल्ड होती, कैश में से ये गुड्स कैश सोल्ड होता, तो उसकी प्राइस क्या होती, दैट इज़ द कैश प्राइस. देन डाउन पेमेंट, एट द टाइम ऑफ द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वी हैव टू गिव द मिनिमम अमाउंट्स टूवर्ड्स सिक्योरिटी ऑफ द वेंडर्स, राइट? सो उसको सिक्योरिटी के तौर पे साइनिंग अमाउंट में थोड़े पैसे देने पड़ते हैं, दैट इज नोन एज डाउन पेमेंट. देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या होता है, जितना भी कैश प्राइस पे करना होता है वो भी और इंटरेस्ट भी दोनों को साथ में मिला के जो अमाउंट मिलती है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और हायर परचेज प्राइस, राइट? मान लो कि एक 50 लाख का मशीन है जो वो उसकी कैश प्राइस है, यानी कि कैश प्राइस है उसकी 50 लाख. अब डाउन पेमेंट उसने दिया है
10 lakh rupees. बाकी के 40 lakh rupees इंक्लूडिंग चार्जेस और दैट डाउन पेमेंट टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा, मान लो कि 60 लाख पे करना पड़ेगा, राइट. सो ये जो 60 लाख होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, राइट. देन नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी चार्ज करना पड़ेगा ऑन द केस प्राइस, सो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा. देन पॉइंट द अमाउंट ऑफ द ईच इंस्टॉलमेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट. टोटल इंस्टॉलमेंट कितना होगा और टोटल कितने इंस्टॉलमेंट्स होंगे वो भी स्पेसिफाई होने चाहिए. एंड लास्ट पॉइंट है, अगर उसने टाइम टू टाइम इंटरेस्ट या तो इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, डिले हो गया, तो उसकी कंडीशंस क्या होगी. सो ज़्यादातर आपको ये सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने हैं, दैट इज कैश प्राइस किसे कहते हैं, डाउन पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. ये सारे टर्म्स आपको प्रैक्टिकल में और जब हम सम करेंगे तब आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. बेसिकली देर आर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, वन इज हायरर, सेकेंड इज वेंडर. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, लेट्स अंडरस्टैंड बाय द वे ऑफ द एग्जाम्पल. A limited purchase a machine for a higher purchase from the B limited. That means A limited ने purchase किया है तो A limited hirer होगी और purchase from the B limited, so B limited vendor होगा, right? On the 1st April 2008, cash price being 33,000, यानी कि उस मशीन की cash price है 33,000. 10,000 was payable by on the signing agreement. That is 10,000 is down payment, right? Then the balance in the 3 annual installment of the 10,000 each, यानी कि 3 annual installment में 10,000 हमें pay करने हैं. Then vendor company charges 15% per annum interest, यानी कि जितनी भी unpaid amounts होगी उसमें rate of interest क्या होगा, 15%, right? So one by one हम calculate करेंगे कि कैसे उसको payment करनी है. द कैश प्राइस वॉज 33,000 एंड टोटल अमाउंट पेबल विच इज 10,000 के 3 इंस्टॉलमेंट, दैट इज 30,000 एंड 10,000 उसने डाउन पेमेंट दिया है, टोटल कितने हो गए 40,000. 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 ईच, यानी कि 10,000 के 3 इंस्टॉलमेंट, दैट इज 30,000 प्लस 10,000 उसने क्या दिया है, डाउन पेमेंट. सो टोटल उसका कितना पेमेंट हुआ, 40,000 rupees का, राइट. कैश प्राइस कितनी है, 33,000 माइनस 40,000, जो भी 7,000 आया वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा. सो 33,000 कैश प्राइस होगी, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी और 7,000 टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. अब पेमेंट कैसे होगा वो देख लेते हैं. सबसे पहले कैश प्राइस 33,000 होगी, उसने साइनिंग किया तब डाउन पेमेंट दिया 10,000, अब कितना बचा 23,000. 23,000 के 15%, दैट इज 3,450, वो इंक्लूड करके आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा 26,450. अब एट द एंड ऑफ द ईयर अगेन वो 10,000 पे करेगा तो अब कितनी बैलेंस आई, 16,450. जितना आउटस्टैंडिंग होगा उस पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, दैट इज 16,450 के 15%, दैट इज 2,468. ऐसे ही हर टाइम कैलकुलेशन होगा, लास्ट में 10,000 पेड होगा और 10,000 माइनस 10,000 नील आएगा, दैट मीन्स पूरी की पूरी अमाउंट ऐसे ही पेमेंट हो गई. अंडरस्टूड, ऐसे ही हमें कैलकुलेशन करनी. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेप्रिशिएशन. अंडर द हायर परचेज सिस्टम जो हायरर होता है वो असेट यूज़ करता है, जैसे जैसे ईयर्स पास होते हैं वो उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज होता है. सो हायर परचेज में डेप्रिशिएशन भी कैलकुलेट होता है और उसकी भी एंट्रीज होती है. अगर डेप्रिशिएशन होता है तो 2 मेथड से होता है, या तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड से होगा या तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से होगा. डेप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी मशीनरी अकाउंट में क्या एंट्री आती है वो आप सभी को पता ही है, आप 11th 12th में कंप्लीट करके आए हो कि डेप्रिशिएशन की एंट्री कैसे होती है. सो दिस इज नॉट
अ ट्रिकी पॉइंट इन द हायर परचेस सिस्टम. हमें सिर्फ इतना कैलकुलेशन करना है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितना पेमेंट होगा, राइट. सो सबसे पहले जो भी हम सम करेंगे, पहले तो एक टेबल बनेगा कैलकुलेशन का. उसके बाद अगर उसने जनरल एंट्रीज पूछी जाती है तो जनरल एंट्री लिखनी पड़ेगी, या तो फिर अकाउंट सॉरी लेजर पूछा गया है तो हमें लेजर बनाना होगा. सो लेट्स सी द जनरल एंट्रीज एंड लेजर फॉर्मेट. जब भी हायर परचेज एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट, तब हम दोनों पार्टीज के बुक में एंट्री करेंगे. आपको जो भी एग्जाम में पूछा गया उसकी बुक में एंट्री करनी है, बट फिलहाल हम दोनों की बुक में एंट्री क्या क्या होगी वो हम देखेंगे. हायरर का मतलब है जो परचेज कर रहा है वो पार्टी, एंड वेंडर जो सेल कर रही है वो पार्टी. सो कौन कौन सी सिचुएशन में कौन कौन सी जनरल एंट्री होगी, किसके बुक में होगी, राइट, वो हम देखेंगे. फर्स्ट, जब हम अग्रीमेंट करते हैं तब ऑन द साइनिंग द हायर परचेज अग्रीमेंट, राइट. सो जो हायरर होगा, जो परचेज कर रहा है, उसे ओनरशिप नहीं मिलेगी उस असेट की, राइट. वो ओनर नहीं कहलाएगा, राइट. सो इसलिए यहाँ पे नील आएगा. उसे पोजेशन मिलेगा पर उसे ओनरशिप नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पे एंट्री आएगी नील. बट वेंडर तो सेल कर रहा है, राइट. सो यहाँ पे लिखेंगे हायरर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. इसका तो सेल्स है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और ये कैश सेल्स नहीं है, ऑब्वियसली इट द हायर परचेज सिस्टम. सो यहाँ पे हायरर्स अकाउंट, यहाँ पे हायरर का नाम दिया गया होता तो यहीं पे नाम लिखते, राइट. दैट मीन्स हायरर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट वेन ऑन द साइनिंग ऑफ द हायर परचेज अग्रीमेंट, राइट. देन वेन द पेमेंट इज मेड ऑन द साइनिंग द अग्रीमेंट. अब हम साइनिंग अमाउंट का पेमेंट दे रहे हैं, यानी कि डाउन पेमेंट दे रहे हैं. अब डाउन पेमेंट अब बुक इन द बुक्स ऑफ द हायरर. मैं परचेजर हूँ, मैंने कुछ गुड्स परचेज किए हैं, बट फुल अमाउंट पे नहीं किया है, हमने साइनिंग अमाउंट पे किया है. सो पहले तो पेमेंट होगा, राइट. सो बैंक थ्रू या कैश थ्रू कोई भी हो सकता है, और उसके बदले में हमें असेट मिलेगी, राइट. सो असेट अकाउंट डेबिट. यहाँ पे मशीन होगी तो मशीन अकाउंट डेबिट, कोई भी चीज़ होगी तो वो चीज़ अकाउंट उसके नाम की अकाउंट बनेगी, राइट. सो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. कितनी अमाउंट? ओनली साइनिंग अमाउंट. सो अगर हायरर पे कर रहा है तो रिसीवर कौन होगा? वेंडर होगा. सो उसे पेमेंट मिल रही है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू हायरर अकाउंट क्रेडिट. वो किससे मिल रही है? हायरर से मिल रही है, इसलिए, राइट. नाउ एट द टाइम ऑफ द इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू. पहले समझ लो, इंस्टॉलमेंट पहले ड्यू होता है, बाद में इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होती है. सो ये ईच ईयर होता है, फर्स्ट ईयर होगा, सेकंड ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा, जितने भी ईयर्स के लिए हायर परचेज सिस्टम एप्लीकेबल होगी, हर साल ये एंट्री होगी. साइनिंग अमाउंट और परचेज की, डाउन पेमेंट की एंट्री हर साल नहीं होती है, क्योंकि हर साल डाउन पेमेंट नहीं मिलता. डाउन पेमेंट कब होता है? जब साइनिंग ऑफ द अग्रीमेंट. सो ये दो एंट्री होगी वो साइनिंग ऑफ द अग्रीमेंट, यानी कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट डेट पे ही होगी. नाउ एट द एंड ऑफ द ईच ईयर द इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू एंड द पेमेंट विच शुड बी मेड. सो पहले जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तब इन द बुक्स ऑफ द हायरर के अकाउंट में एंट्री क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. यानी कि असेट भी मिलेगा, असेट के अमाउंट में से मिलेगा. सो असेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट अकाउंट भी डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, राइट. यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री होगी, दैट इज हायरर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट. इंटरेस्ट वेंडर के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट होगा. किससे मिला है? हायरर से मिला है, इसलिए हायरर्स अकाउंट डेबिट. देन इंस्टॉलमेंट इज मेड.
जब हम पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे। किसे करेंगे? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट हो रही है इन द बुक्स ऑफ हायर। नाउ यही पेमेंट वेंडर को मिल रही है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर अकाउंट क्रेडिट, राइट। हर एक इंस्टॉलमेंट की ये दो एंट्री रिपीटेड होगी ईच ईयर, अमाउंट में चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन। जब हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। दिस टू एंट्रीज मेड एवरी ईयर। अगर 3 साल के लिए एनुअल इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है तो ये अगेन 3 ईयर्स के लिए सेम एंट्री रिपीट होगी बट अमाउंट चेंज होगी, राइट। देन अगेन डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होगा ईच ईयर। डेप्रिशिएशन कौन करेगा? सिर्फ हायरर करेगा। वेंडर डेप्रिशिएशन क्यों कैलकुलेट करेगा? जो यूज कर रहा है वही डेप्रिशिएशन क्लेम करेगा, राइट। सो डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होगा आइदर स्ट्रेट लाइन मेथड, इट्स अ WDV मेथड, राइट। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट, ये सब आपको पता है कि डेप्रिशिएशन की एंट्री क्या होती है। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट, वेंडर कुछ भी नहीं करेगा। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा तब एंट्री क्या होगी? PNL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिशिएशन अकाउंट। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट और ये डेप्रिशिएशन दोनों हमारे लिए एक्सपेंस हैं, राइट। वो एक्सपेंस हम ट्रांसफर करेंगे PNL अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। सो जनरल एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6 विल प्रिपेयर फॉर ईच ईयर। फर्स्ट दो एंट्री एक ही बार आएगी बट 3, 4, 5, 6 एवरी ईयर आएगी, राइट। सो इन दिस ईयर का इंटरेस्ट एंड डेप्रिशिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, वो हम क्लोज करेंगे और लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा इनकम है क्योंकि हम वेंडर हैं, राइट, और इनकम है इसलिए हम क्रेडिट करेंगे इन द PNL अकाउंट। सो 3, 4, 5, 6 एवरी ईयर एंट्री होगी और फर्स्ट और सेकंड एक ही टाइम होगी। सो इसी तरह से हम जनरल एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ द हायरर, इन द बुक्स ऑफ द वेंडर। अंडरस्टूड? अब हम एक इलस्ट्रेशन समझते हैं, उसके हिसाब से आपको आसानी हो जाएगी ये जनरल एंट्री समझने में। लेट्स सी द इलस्ट्रेशन नंबर 1. ये सिचुएशन कौन सी है? When cash price and rate of interest both are not given. अहमदाबाद मैन्युफैक्चरर लिमिटेड purchased on 1st April 2008 मशीनरी costing 47,500 from ABC कंपनी। सो यहाँ पे अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो परचेज कर रही है, दैट मीन्स ये हायरर है और ये वेंडर है, राइट, ऑन द हायर परचेज सिस्टम। द टर्म वर एज अंडर, फर्स्ट 20,000 टू बी पेड ऑन द 1st April 2008, सेकेंड 10,000 वर पेड ऑन द 31st March 2009, देन 10,000 पेड ऑन 2010 एंड लास्ट 10,309 पेड ऑन 2011। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द मशीनरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड ABC अकाउंट, चार्ज इंटरेस्ट एट अ 5% पर एनम ऑन द ईयरली बैलेंस। सो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, डेप्रिशिएशन शुड बी चार्ज 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, वॉज बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर, गिव ऑल्सो द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द बोथ द पार्टीज। पहले हम ये अकाउंट नहीं बनाएंगे, पहले सिर्फ जनरल एंट्रीज करेंगे इन द बोथ द पार्टीज, यानी कि जो हमने अभी ही देखी दिस वाली एंट्री वो हम करेंगे जनरल एंट्री इन द बोथ ऑफ पार्टीज। सो उससे पहले कितनी अमाउंट इसमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है, इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है, कितना आउटस्टैंडिंग है, 5% हम इंटरेस्ट का कैसे चार्ज करेंगे, उसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। सो लेट्स प्रिपेयर द टेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट एज वेल एज इंस्टॉलमेंट। इस तरह से हम कैलकुलेशन के लिए टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, देन कैश प्राइस, देन दिस इज द इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, क्रेडिट towards the cash price, यानी कि installment में interest की amount कितनी है और cash price के towards कितनी amount है वो, then last में balance outstanding। जितनी भी outstanding होगी उसके पर हमें
इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा. सो बैलेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगेन ये समझ लो कि इंस्टॉलमेंट पे हो रही है उसमें से इंटरेस्ट कितना है और बाकी की कैपिटल वैल्यू कितनी है. राइट, सो ये है क्रेडिटेड टूवर्ड द कैश प्राइस. दैट मीन्स वी हैव टू डिडक्ट 3 - 4 इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट की वैल्यू माइनस करेंगे तो ये अमाउंट मिलेगी. और लास्ट में कैश प्राइस में से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगी. इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इसमें ऐसे आएगी. राइट, अब परचेस कब हुआ है, सॉरी हायर परचेस सिस्टम स्टार्ट कब हुआ है, दैट इज 1 अप्रैल 2008. राइट, कितने का मशीन है, दैट इज कैश प्राइस 47,500. राइट, उस टाइम पे डाउन पेमेंट कितना हुआ था, दैट इज ऑन द 1 अप्रैल 2008 डाउन पेमेंट वॉज मेड ऑफ ₹20,000. राइट, जब डाउन पेमेंट होता है तब इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि फर्स्ट जिस दिन आप साइन अग्रीमेंट साइन कर रहे हो उसी दिन आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर यू हैव टू पे द इंटरेस्ट. सो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा नील. सो यहाँ पे 3 - 4 होगा तो 20,000 - nil दैट मीन्स इट विल कम 20,000. नाउ 47,500 में से 20,000 पे हो गए, बाकी कितने बचे, दैट इज 27,500. राइट, ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट की हमारी ओपनिंग बैलेंस होगी, दैट इज 31 मार्च 2009 को पेमेंट हुआ था. ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है. लास्ट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा एट द लास्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 31 मार्च 2009. अब जो क्लोजिंग बैलेंस होगी वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग होगी, इसलिए यहाँ पे आएगा 27,500. राइट, उस दिन इंस्टॉलमेंट था 10,000 का विच इज ऑलरेडी गिवन. नाउ लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट किस में मिलेगा, ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन अ कैश प्राइस विच मीन्स जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है वो. सो 27,500 पे 5% इंटरेस्ट, दैट इज 1375. सो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा 1375. इसका मतलब है कि 10,000 का इंस्टॉलमेंट था उसमें से 1375 इंटरेस्ट की अमाउंट थी, बाकी की अमाउंट है वो क्रेडिट टूवर्ड्स द कैश प्राइस है, यानी कि 8625. अब 2 - 5 यानी कि कैश प्राइस में से ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 18,875. अगेन नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग है तो यहाँ पे ओपनिंग आएगी, दैट इज 18,875. डेट है 31 मार्च 2010. अगेन उस डेट पे इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है, 10,000. नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन अ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, दैट इज 18,875 मल्टीप्लाई बाय 5%, दैट इज 943.75. वी हैव टू टेक द राउंड फिगर 944. सो डिडक्ट 10,000 माइनस 944, 90,056. Now outstanding was 18,875 - 9,056 पे हो गए, बचा कितना 9,819. राइट, ऑन द नेक्स्ट ईयर इट विल बिकम अवर ओपनिंग बैलेंस, दैट इज 9,819, 31 मार्च 2011. इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज 10,309. राइट, अमाउंट नाउ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग प्राइस 9,819 मल्टीप्लाई बाय 5%, दैट इज 490.95. सो 490 इससे अमाउंट माइनस करेंगे, दैट इज 10,309 माइनस 490. अल्टीमेटली यू आर गेट
9819. सो 9819 बाकी था, 9819 कंप्लीट हो गया, इट विल बिकम नील. सो एट द एंड ऑफ द 11 ईयर वी हैव पेड द होल इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी कि टोटल पेमेंट हो गई है. फिर से ये समझ लो कैसे करना है. जब हायर परचेज की अमाउंट साइनिंग अग्रीमेंट होगी, एक्चुअल प्राइस 47,500 थी, 20,000 का डाउन पेमेंट हुआ, अब बाकी कितना बचा, 27,500. अगेन 27,500 नेक्स्ट ईयर बाकी होगा, उसमें से 10,000 पे हो गए होंगे. इंस्टॉलमेंट में दो अमाउंट इंक्लूडेड होती है, एक कैपिटल प्राइस, कैपिटल वैल्यू और इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे तो कैपिटल वैल्यू मिलेगी, यानी कि 27,500 जो कैपिटल वैल्यू थी उसमें से 8,625 पे हो गए, अब कितने बचे, 18,875. इसी तरह से नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट का टोटल करेंगे, दैट इज 1375 प्लस 944 प्लस 490, टोटल 2809 टोटल इंटरेस्ट वी हैव टू पे. समझ में आया सभी को कि किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और किस तरह से इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा. इसी चीज को कैलकुलेशन में लेते हुए हम करेंगे जनरल एंट्री. आप देख सकते हैं दोनों की बुक में एंट्री की है, इन द बुक्स ऑफ हायरर एंड इन द बुक्स ऑफ द सेल वेंडर. सबसे पहली एंट्री जब साइनिंग अमाउंट होगी, साइनिंग अग्रीमेंट होगा, तब जब हायरर नहीं करेगा क्योंकि उसको पोजेशन सॉरी ओनरशिप नहीं मिली है, बट इसने सेल किया है राइट, इसलिए वेंडर जनरल एंट्री करेगा. दैट इज अहमदाबाद. वेंडर कौन है, अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, दैट इज 47,500 राइट. उसी टाइम डाउन पेमेंट होगा, डाउन पेमेंट हायरर पे करेगा. सो वो पेमेंट हो रही है, दैट इज 20,000 का पेमेंट हो रहा है थ्रू बैंक, और वो परचेज किस लिए वो 20,000 दे रहा है, मशीनरी के लिए, इसलिए वो एंट्री करेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 20,000. ये अमाउंट 20,000 पे कर रहा है तो वेंडर रिसीव कर रहा है राइट, इसलिए यहाँ पे एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड क्रेडिट. अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो परचेजर है और एबीसी है वो वेंडर है. सो हमने वो एंट्री देखी थी कि हायरर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे हायरर का नाम आएगा, दैट इज अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड. सो एट द टाइम ऑफ द साइनिंग अमाउंट ये दो एंट्री आएगी राइट. मैंने बोला था नेक्स्ट एंट्री 3, 4, 5 एंड 6, ये फोर एंट्री एवरी ईयर होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 31st मार्च 2009 को कौन सी एंट्री होगी, पहले तो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट की होगी, तीसरी डेप्रिशिएशन की होगी, और लास्ट में इंटरेस्ट और डेप्रिशिएशन हम लेके जाएंगे पीएनएल में. ये चार एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ हायरर. सो वो देख लेते हैं. सबसे पहली एंट्री आएगी इंस्टॉलमेंट ड्यू. क्या आएगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू. सो इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. वेंडर कौन है, एबीसी. ये हमने एंट्री देखी थी, बट अमाउंट कहाँ से लेंगे, तो हम अमाउंट लेंगे यहाँ से 8,625 मशीनरी अकाउंट में जाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट में जाएंगे 1,375, टोटल इंस्टॉलमेंट इज 10,000. सो एंट्री आएगी 8,625 मशीनरी अकाउंट, 1,375 इंटरेस्ट, टोटल इंस्टॉलमेंट है 10,000 का राइट. सो ये एंट्री आएगी जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा. उसी तरह से सामने आएगा कि उसका इनकम ड्यू है, क्योंकि उसका इनकम ड्यू होगा, उसको इनकम रिसीव होगी इन द वे ऑफ द इंटरेस्ट. सो उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, इसलिए इनकम क्रेडिट होगी, और किससे पास से होगी, हायरर के पास से, यानी कि अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड डेबिट. इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, दैट इज 1,375.
अब सेकेंड एंट्री इंस्टॉलमेंट पेमेंट की। तो पेमेंट तो वो इंस्टॉलमेंट पूरे का पूरा करेगा, अलग अलग से नहीं करेगा, इंटरेस्ट अलग दिया और मशीनरी के अलग दिए, ऐसा नहीं होता है। इंस्टॉलमेंट पूरे पूरा दिया जाएगा, दैट इज 10,000। सो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी यहीं पे है 10,000 रुपीज, वो पूरा पूरा 10,000 पेमेंट होगा। सो पेमेंट जब होगा हायरर के लिए, सो वो पेमेंट कर रहा है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट आएगा। किसे कर रहा है? परचेजर को कर रहा है, सॉरी वेंडर को कर रहा है। सो एबीसी कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, इसे 10,000 पेमेंट है, इसके लिए 10,000 इनकम है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड क्रेडिट, राइट। देन डेप्रिशिएशन की कैलकुलेशन होगी। डेप्रिशिएशन की एंट्री आप सभी को पता है, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिशिएशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, दैट इज डेप्रिशिएशन वुड बी 9,500 एवरी ईयर एट अ 20% ऑन 47,500, यानी कि 9,500 एवरी ईयर डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिशिएशन की एंट्री आई 9,500। वेंडर ये एंट्री नहीं करेगा क्योंकि वो उसके डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं कर सकता। लास्ट एंट्री पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए डेप्रिशिएशन और इंटरेस्ट दोनों एक्सपेंस है, इसीलिए वो ट्रांसफर करेगा पीएनएल में डेबिट साइड। सो इंटरेस्ट की अमाउंट है 1,375 और डेप्रिशिएशन की है 9,500, टोटल 10,875। यहाँ पे इसकी इनकम है 1,375, वो इसकी इनकम है इसलिए पीएनएल में करेगा क्रेडिट, राइट। ये फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स ये चारों एंट्री एवरी ईयर होगी, यानी कि 2009 का ईयर खत्म हुआ और 2010 का। अब 2010 की मशीनरी अकाउंट में कितनी आएगी एंट्री? 9,556 मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 9,944 टू टोटल अमाउंट इज 10,000। सो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा 10,000 टू एबीसी कंपनी। सो ये हुआ इंस्टॉलमेंट ड्यू, बाद में 10,000 का पेमेंट होगा। सो एबीसी अकाउंट कंपनी डेबिट टू 10,000 बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगेन दिस ईयर डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होगा, अगेन दिस ईयर डेप्रिशिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू द पीएनएल अकाउंट, राइट। सो एवरी ईयर द सेम एंट्री विल बी देयर, बट इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री में चेंजेस आएंगे इन दिस टू कॉलम्स, अकॉर्डिंग टू दिस कॉलम्स, राइट। सो 2010 में भी एंट्री होगी, देन लास्ट 2011 में भी एंट्री होगी। तो इसी तरह से ईच ईयर एंट्री होगी। अंडरस्टूड? इसी पर से हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं, अकाउंट किस तरह से बनता है, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको प्रैक्टिस में यही इलस्ट्रेशन करना है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। पहले तो आपको ये फॉर्मेट कैसे बनता है वो समझना है और जनरल एंट्री भी याद रखनी है। पहले तो आपको सबको ये प्रैक्टिस में भी करना है और ये जनरल एंट्री आपको याद रखनी है। अंडरस्टूड? थैंक यू।